नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट रिकॉर्ड रूम। दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 का शुभारंभ हो चुका है। दिनांक 5 जून 2024 को भारत ने अपना पहला मैच आयरलैंड के विरुद्ध खेला, जहां भारत ने आयरलैंड को आसानी से 8 विकेट से मात दे दिया। दोस्तों, इस मैच में कई रिकॉर्ड भी बने हैं, आज इस रिकॉर्ड का चर्चा करेंगे। इस मैच में आयरलैंड ने पावरप्ले में अपना सबसे छोटा स्कोर 2 विकेट खोकर 26 रन बनाया। इससे पहले इनका सबसे छोटा स्कोर पावरप्ले में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 विकेट खोकर 29 रन था। एक मैच में तेज गेंदबाज के द्वारा दूसरा सबसे ज्यादा विकेट, कुल 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत ने बनाया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 2007 के विश्व कप में तेज गेंदबाज के द्वारा कुल 9 विकेट लिया था। इस मैच में रोहित ने अपने T20 कैरियर में 4000 रन पूरा किए। इस प्रकार टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। इस पहले ये कारनामा विराट कोहली ने किया हुआ है। इस मैच में भारत ने 46 गेंद बाकी रहते मैच को जीत लिया। इस प्रकार गेंद बाकी रहते मैच जीतने के मामले में अपना चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे पहले भारत ने स्कॉटलैंड के विरुद्ध 81 गेंद, बांग्लादेश के विरुद्ध 64 गेंद, UAE के विरुद्ध 59 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया। इस मैच में भारत ने एक ही टीम के विरुद्ध लगातार मैच जीतने, कुल 8 मैच का अपना ही रिकॉर्ड को बराबर कर लिया। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को लगातार 8 बार हराया था। इस मैच में जीत हासिल करने के साथ ही रोहित शर्मा ने T20 मैचों में कुल 43 जीत हासिल कर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा T20 मैचों में मिली सबसे ज्यादा जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।